पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल जनपद की चंदौसी तहसील क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मिठाई बांटकर तथा ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 23 मई को आए नतीजे में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद आज नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का संभल जनपद की चंदौसी तहसील क्षेत्र में फवारा चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी छोड़कर मिठाई बांटकर तथा ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा के नेताओं ने कहा कि मोदी जी को मिली ये जीत राष्ट्र हित की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का मान बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। देखिए, मोदी जी दोबारा शपथ ले रहे हैं, ये जनता का भरोसा था, विश्वास था, जो पुनः भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को बहुत ही प्रचंड बहुमत इस जनता ने दिया। तो आज उसी जनमत के आधार पर मोदी जी दोबारा शपथ ले रहे हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं को और देश की आम जनता को भरोसा है कि मोदी जी, जो जैसा कि मोदी जी ने कहा कि यह आवश्यकताएं पूरी करने का समय था और अब आकांक्षाएं पूरी करने का समय है, अब मोदी जी जो आम भारतवासियों की आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का काम 2019 से 2024 तक करने वाले हैं। इसमें यही कहना, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, आज प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने तय कर लिया है कि यदि देश का हिंदुस्तान का कोई नेतृत्व कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और इसीलिए जनता ने विश्वास दिलाया है। प्रचंड बहुमत के साथ आई है भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से उन्होंने 5 वर्षों में काम किए, जनहित में विकास के कार्य किए हैं, उसी विश्वास को लेकर के अगले आने वाले समय भी वो उसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, जनहित में काम करने वाले हैं। सभी जनता का विश्वास जो है उस विश्वास को हमें कायम रखना है और उसी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे ताकि हमारा विश्व में महत्वपूर्ण स्थान हो, हिंदुस्तान का नाम हो। ये हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए हमारे मोदी जी तत्पर हैं। हमारा कहना यह है कि आज मोदी जी की उपलब्धि के चलते पहले भारत के नेता थे, विश्व के नेता थे, अब समूचे विश्व गगन में हर जगह मोदी मोदी की गूंज है। आज देश की हर जाति वर्ग में मोदी जी की पकड़ हुई है, जिसके चलते ऐतिहासिक जीत के साथ साथ सारे रिकॉर्ड टूट गए और हर ओर सिर्फ दो ही शब्द हैं, मोदी मोदी मोदी।